हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम एक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल्स ऑफ ए कंटेनर, और फिर उसके बाद में आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है उसको पढ़ेंगे, और फिर ये पढ़ेंगे कि एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो क्या होती है, और फिर उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल से क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम एक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ठीक है। एक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो देखो, मान लो ये मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूबिकल कंटेनर है। वैसे कंटेनर कोई भी हो सकता है, मैंने क्यूबिकल कंटेनर को लिया ताकि डेरिवेशन ड्राइव करने में आसानी रहे, जिसकी एज लेंथ क्या है L, ठीक है। और मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। इस क्यूबिकल कंटेनर में ऐसा मानो कि गैस भरी हुई है, ठीक है। तो देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं, ये हमें पता है, कोई इस तरफ जाएगा कोई उस तरफ, ठीक है, विद डिफरेंट स्पीड्स। तो मान लो हर मॉलिक्यूल का मास वो है स्मॉल m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और ऐसा मान लो इस क्यूबिकल कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैपिटल n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो है कैपिटल n। तो इस गैस का मास कैपिटल M वो क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू में n, ठीक है। और देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिकल कंटेनर वो क्या आएगा, L क्यूब। तो देखो, यहां से डेंसिटी ऑफ गैस वो क्या आएगी, मास बाय वॉल्यूम, एम एन डिवाइडेड बाय L क्यूब, ठीक है। इसका बाद में कहीं ना कहीं यूज होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है। तो देखो, ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल एन, और हमें ये पता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, कोई इस तरफ जाएगा कोई उस तरफ, विद डिफरेंट स्पीड्स। इन गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक, और गैस मॉलिक्यूल्स का विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी कोलिजन होता है, वो भी परफेक्टली इलास्टिक होता है, ये हम अजम्पशंस में मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, nth जो मॉलिक्यूल होगा ना, मान लो उसकी स्पीड होगी vn, और वो होगी vx n i कैप प्लस vy n j कैप प्लस vz n k कैप। nth मॉलिक्यूल की स्पीड है ये, सॉरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो, nth मॉलिक्यूल की जो स्पीड आएगी vn, वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होती है, vx n स्क्वायर प्लस vy n स्क्वायर प्लस वी जेड एन स्क्वेयर, सही बात है। तो अब देखो, वी एन स्क्वेयर ये किसके बराबर आ गया, वी एक्स एन स्क्वेयर प्लस वी वाई एन स्क्वेयर प्लस वी जेड एन स्क्वेयर, ठीक है। तो हम यहां पे क्या मान के चलेंगे, जो nth मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है ना, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, हम इनको सेम लेके चलेंगे, ठीक है। vx n इक्वल्स
वी वाई एन इक्वल्स वी जेड एन फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो देखो वी वाई एन की जगह वी एक्स एन पुट हो जाएगा, वी जेड एन की जगह भी वी एक्स एन पुट हो जाएगा, तो वी एन स्क्वेयर ये क्या आ गया, थ्री वी एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है। इसका बाद में कहीं ना कहीं यूज होगा। ये जो वी एन है ना, ये क्या वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल वेक्टर फॉर्म में, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ nth गैस मॉलिक्यूल। और हम ये मान के चलते हैं फॉर सिंप्लिसिटी nth मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है ना x y z कंपोनेंट, ये सेम लेके चलते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो वी एन स्क्वेयर ये किसके बराबर आ गया, थ्री वी एक्स एन स्क्वेयर, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे इन दो फेसेस को बना रहा हूं, ये है ए बी सी डी, ये वाला जो फेस है ना मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, जो कि वाई जेड प्लेन में है, और ए बी सी डी ये वाला फेस मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो अब देखो मुझे पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल को मान के चल रहा हूं, गैस के फर्स्ट मॉलिक्यूल को, ठीक है, वो इस फेस से भी टकराएगा, इस फेस से भी, वैसे तो हर फेस से टकराएगा इस कंटेनर के, लेकिन देखो ये जो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है वो इस तरफ जब चलेगा, वैसे तो ये रैंडमली चलेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग चलने के लिए इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो क्या होगा, वी एक्स वन, वैसे तो ये रैंडमली चलेगा, लेकिन जो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, वी वन, एन को वन पुट कर दो, वी एक्स वन आई कैप प्लस वी वाई वन जे कैप प्लस वी जेड वन के कैप। तो इस मॉलिक्यूल को एक्स एक्सिस के अलोंग चलने के लिए तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना, तो ये होगी वी एक्स वन, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, या इस फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है एल, तो ये ऐसे जाएगा, ये जो ए बी सी डी मैंने फेस लिया है ये इस ए बी सी डी फेस से टकराएगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं ना अजम्पशन में, तो फिर ये बाउंस बैक होगा आफ्टर कोलिजन विद सेम स्पीड वी एक्स वन, वी एक्स वन से ऐसे टकराया, और क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, फिर वी एक्स वन से ऐसे वापिस लौट गया, फिर ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखो जब ये वी एक्स वन स्पीड से टकराया है इस फेस से, जस्ट बिफोर हिटिंग दिस फेस, इस फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम वी एक्स वन, सही बात है, और इस फेस से टकराने के बाद परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हुआ है, इस पार्टिकल की स्पीड ऐसे वी एक्स वन हो जाएगी, तो आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स वन। तो ये बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम और ये आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम। तो इस फर्स्ट पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना आया कोलिजन की वजह से, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, मतलब माइनस टू एम वी एक्स वन इतना आया। तो एक तरह से
जब इससे पार्टिकल का कोलिजन होगा ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा विद द वॉल ऑफ दिस कंटेनर, तो कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा टू द वॉल ऑफ द कंटेनर? 2mv x1, 2mv x1। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर टू दिस वॉल ABCD बाय फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, परफेक्टली कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से। तो अब देखो, आफ्टर कोलिजन ये मेरा पार्टिकल ऐसे जाएगा VX1 स्पीड से, और फिर इस फेस से टकराएगा। जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसे VX1 स्पीड होगी, और इसके साथ भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। तो आफ्टर कोलिजन विद दिस फेस ये VX1 से ऐसे लौट जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहां पे कोलिजन हुआ था इस ABCD फेस के साथ इस फर्स्ट पार्टिकल का, तो कोलिजन की वजह से इस फर्स्ट पार्टिकल ने इस ABCD फेस को कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर किया था? 2mv x1। अब कोलिजन हो गया, फिर ऐसे गया VX1 स्पीड से, इसके साथ कोलिजन हुआ परफेक्टली इलास्टिक, फिर VX1 स्पीड से ऐसे वापस हो लिया, तो ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, कितना टाइम लगा? डिस्टेंस बाय स्पीड L+L, 2L, और स्पीड क्या रही? VX1। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, 2L/VX1 टाइम में इस फर्स्ट पार्टिकल ने इस ABCD वॉल को कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर किया? 2mv x1। क्योंकि देखो, मैं इसको फिर से रिवाइज करता हूं, ये पार्टिकल ऐसे गया VX1 स्पीड से, कोलिजन हुआ विद दिस ABCD वॉल, VX1 से वापस लौट गया। तो जब ये कोलिजन हुआ है, तो इस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया? -2mv x1, ठीक है। तो एक तरह से ड्यूरिंग कोलिजन इस फर्स्ट पार्टिकल ने इस वॉल को कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया? 2mv x1। तो आफ्टर कोलिजन ये VX1 स्पीड से जाएगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का विद दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। VX1 स्पीड से जाएगा, तो यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा? L/VX1। फिर यहां पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर VX1 से ऐसे वापस लौट जाएगा, फिर यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा? अगेन L/VX1। तो ऐसे गया ऐसे वापस आया, तो कितना टाइम लिया? 2L/VX1। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ये फर्स्ट गैस का मॉलिक्यूल 2L/VX1 टाइम में इस फेस को कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है? 2mv x1। तो इस गैस के फर्स्ट मॉलिक्यूल के द्वारा एवरेज फोर्स ऑन दी ABCD वॉल वो क्या आएगा? कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर किया? 2mv x1 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया? 2L/VX1। तो VX1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये v² x1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पे तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो टोटल या नेट एवरेज फोर्स एग्जर्टेड आएगा ऑन द ABCD वॉल, नेट एवरेज फोर्स ऑन दिस ABCD वॉल बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, वो क्या आ जाएगा? F average 1 + F average 2 + F average 3, ऐसे ऐसे करके। तो F average 1 + F average 2 + F average 3 + ~ + F average n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस क्यूबिकल कंटेनर के अंदर कितने हैं? कैपिटल एन। तो जो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है ना, उसके द्वारा
इस ए बी सी डी फेस पे एवरेज फोर्स एग्जर्टेड वो इतना आया, तो लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कैपिटल एन है, तो इस ए बी सी डी फेस पे नेट एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय ऑल गैस मॉलिक्यूल्स वो एफ एवरेज 1 प्लस एफ एवरेज 2 प्लस एफ एवरेज 3 प्लस डैश 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 प्लस एफ एवरेज एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एफ एवरेज 1 एम वी एक्स 1 स्क्वायर बाय एल, एफ एवरेज 2 वो कितना आएगा सिमिलरली एम वी एक्स 2 स्क्वायर बाय एल, एफ एवरेज 3 एम वी एक्स 3 का स्क्वायर बाय एल प्लस डैश डैश प्लस एफ एवरेज एन, ये क्या आएगा एम वी एक्स एन स्क्वायर बाय एल, इनको ऐड कर दो। तो देखो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है एम बाय एल, ठीक है, तो इसको मैं बाद में ऐसे लिख सकता हूं ना, सम्मेशन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन वी एक्स आई का स्क्वेयर, ऐसे लिख सकता हूं बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो वी एक्स आई का स्क्वेयर यहां से ये कितना आ गया वी एक्स आई का स्क्वेयर, वी आई का स्क्वेयर बाय में 3, एन की जगह बस आई कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू में समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन वी एक्स आई स्क्वेयर, इसको क्या लिखूंगा मैं वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, तो 3 यहां पे आ गया। ठीक है बार, तो अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, एन से मल्टीप्लाई करूंगा कैपिटल एन से ऊपर और नीचे। ठीक है, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं, ऊपर तो स्मॉल एम इनटू में कैपिटल एन हो गया। ठीक है, इस कैपिटल एन को यहां पे ले जाओ। ठीक है, तो देखो स्मॉल एम इनटू में कैपिटल एन ये तो टोटल मास ऑफ द गैस है और डिवाइडेड बाय 3L समेशन वी आई स्क्वेयर बाय में कैपिटल एन, आई कहां से कहां तक 1 टू कैपिटल एन। ठीक है, तो अब देखो जो प्रेशर एग्जर्टेड आएगा बाय गैस ऑन दिस फेस ABCD वो क्या आएगा, नेट एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दिस फेस ABCD डिवाइडेड बाय इस फेस का एरिया वो कितना एल स्क्वेयर। ठीक है, तो कैपिटल एम बाय 3L³ समेशन आई 1 से लेके कैपिटल एन वी आई स्क्वेयर बाय कैपिटल एन, ये आ गया। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखूंगा मैं अभी यहां पे, तो देखो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ऑन दिस फेस या ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो ये आया है। तो देखो L³ तो यहां पे इस गैस का वॉल्यूम है या इस क्यूबिकल कंटेनर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो डेंसिटी वो क्या आएगी कैपिटल एम बाय L³ मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय L³ ये तो क्या होगी डेंसिटी ऑफ गैस रो, और बाय में 3 तो है ही यहां पे, और समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एन वी आई स्क्वेयर बाय में कैपिटल एन। तो देखो मैं ये जो टर्म है ना
समेशन आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन वी आई स्क्वेयर बाय कैपिटल एन, इसको वी स्क्वेयर आर एम एस मानूंगा, वी स्क्वेयर आर एम एस। वी आर एम एस क्या होती है? रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक तरह से वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, वो क्या जाएगी? अंडर द रूट ऑफ वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर प्लस वी थ्री स्क्वेयर प्लस डैश डैश वी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये होती है आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है। इस समेशन को खोलोगे तो यही तो हो जाएगा। अगेन देखो, वी आर एम एस को मैं यहां पे अब कैसे लिख सकता हूं? अंडर द रूट ऑफ, अब मैं अंदर समेशन डाल दूंगा, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। समेशन आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन और वी आई स्क्वेयर, ऐसा मैं लिख सकता हूं, और ये कैपिटल एन डिवाइड में, ठीक है। तो देखो, वी आर एम एस, आर एम एस या मतलब रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ये होती है, नाम से पता चला रूट मीन स्क्वेयर, पहले स्क्वेयर करना है स्पीड्स का, वी वन स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर वी थ्री स्क्वेयर वी फोर स्क्वेयर वी कैपिटल एन स्क्वेयर, मतलब सभी गैस मोलिक्यूल्स की स्पीड का स्क्वेयर करो और फिर उसका मीन लो, तो ऐड करके डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वो मीन हो गया। फिर आर मतलब रूट, तो मैंने रूट ले लिया, ठीक है। तो यहां से वी स्क्वेयर आर एम एस ये कितनी आ गई? ये अंडर द रूट इस तरफ स्क्वेयर हो जाएगा ना। समेशन आई इज इक्वल टू वन टू कैपिटल एन वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब देखो, ये यही तो है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? वी स्क्वेयर आर एम एस। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मोलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये कितना आ गया? रो बाय थ्री वी स्क्वेयर आर एम एस, ठीक है। तो इसको ड्राइव करना था, ध्यान रहे ये वी आर एम एस क्या है? ये है अंडर द रूट वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर प्लस वी थ्री स्क्वेयर प्लस डैश डैश वी एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये क्या होती है? आर एम एस स्पीड या रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो समेशन था यहां पे, जो एड मैंने कर रखा है, इसको मैंने समेशन से डिनोट कर दिया, ये यही तो है। फिर वी स्क्वेयर आर एम एस ये हो गया यहीं से, और ये देखो, और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब मैं इसको वी स्क्वेयर आर एम एस लिख सकता हूं। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मोलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये कितना आ गया? रो बाय थ्री वी स्क्वेयर आर एम एस। रो क्या? डेंसिटी ऑफ गैस। वी आर एम एस, आर एम एस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स या रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। तो जो प्रेशर होता है ना गैस का, या प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मोलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को ड्राइव करना था, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मोलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये आया रो बाय थ्री वी स्क्वेयर आर एम एस। रो डेंसिटी ऑफ गैस, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, जो कि ये होती है, ठीक है, रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स वो होती है वी आर एम एस। ये मैंने इसके बराबर इसको कैसे लिखा? देख, पहले तो देखो स्क्वेयर करो, वी वन स्क्वेयर प्लस वी टू स्क्वेयर वी वन स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर वी थ्री स्क्वेयर वी एन स्क्वेयर, पहले तो स्क्वेयर किया मैंने, इस स्क्वेयर को फॉलो किया, वी वन स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर वी थ्री स्क्वेयर वी एन स्क्वेयर, फिर इसके इस तरफ क्या है? मीन। अब इसका मीन लो, तो मतलब ऐड करो और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, मीन हो गया। फिर स्मॉल आर को फॉलो करो, रूट, फिर मैंने रूट ले लिया, तो बस ये रूट मीन स्क्वेयर स्पीड होती है गैस मोलिक्यूल्स की, ठीक है।
और ये प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये आ गया रो बाय 3V स्क्वायर RMS, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब आरएमएस स्पीड, यही वाली वीआरएमएस, और एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इन तीनों को और पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले देखो आरएमएस स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको डिनोट किससे करेंगे, वीआरएमएस से, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास कोई आइडियल गैस है कंटेनर में भरी हुई है, उस कंटेनर में गैस के ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इनसाइड कंटेनर, ठीक है। और उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है ना वो है v1 v2 v3 v4 और vn, फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड ये, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, और जो nth मॉलिक्यूल होगा कैपिटल nth उसकी स्पीड v कैपिटल n, ठीक है। तो देखो vrms मतलब rms स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इस नेम से ही फॉलो करते हैं, पहले स्केयर करो v1 स्केयर v2 स्केयर, इन सभी का स्केयर करो, v3 स्केयर v4 स्केयर डैश 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 vn स्केयर। अब इनका मीन लो, इस तरफ आओ, m क्या मीन, मीन मतलब ऐड करो, ठीक है, बाय में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल n। अब रूट को फॉलो करो, अब इसका रूट लो, तो ये क्या है आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वीआरएमएस, ये होती है, ठीक है। तो अब देखो अभी ड्राइव किया था मैंने प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये आया था रो बाय 3V स्क्वायर आरएमएस, ठीक है, अभी ड्राइव किया था ना। और देखो आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशन P/ρ = RT/m0, आइडियल गैस की इक्वेशन की एक फॉर्म यह भी होती है, ठीक है। तो देखो मैं VRMS को फाइंड आउट करना चाहता हूं, एक तो स्टैंडर्ड VRMS ये है, और हमें अभी ड्राइव किया प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ये, और ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो यहां से देखो P/ρ ये कितना आया, वी स्क्वायर आरएमएस बाय में 3, और यहां से P/ρ ये कितना आया RT/m0। तो यहां से VRMS देखो कितना आ गया 3RT/m0 और अंडर द रूट, ठीक है। और देखो इस रिलेशन को याद रखना, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये किसके बराबर होता है, NaKB, KB क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और NA एवोगैड्रो नंबर, ये तो हमें पता ही है,
और आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यह भी हमें पता है। तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर और जो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है के बी, इनके बीच में रिलेशन होता है, इसको याद रखना। और देखो एम नॉट मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये क्या मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये क्या आएगा स्मॉल एम इंटू में एन ए। स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। एन ए एवोगैड्रो नंबर, ये भी हमें पता, ये होता ही है, मोलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में एन ए। तो देखो जो आरएमएस स्पीड आई है गैस मोलिक्यूल्स की, एक फॉर्म तो उसकी ये आ गई, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू रूट थ्री आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, एन ए के बी, और ये टी तो है ही, बाय में एम नोट, एम नोट की जगह स्मॉल एम इंटू में एन ए, एन ए से एन ए कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आ गई थ्री के बी टी बाय में स्मॉल एम और उसका रूट। तो देखो ये दो फॉर्म है आरएमएस स्पीड की, ठीक है, एक तो ये और एक ये, दोनों को याद रखना है, दोनों सेम ही है, मतलब तो वही है, इक्वल है ना दोनों। ये भी आरएमएस स्पीड है गैस मोलिक्यूल्स की, ये भी आरएमएस स्पीड है। तो यहां पे ये ध्यान रहे, आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है ही, टी क्या है टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, ठीक है। एम नोट वो क्या है मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इन केजी। तो जब आप यहां पे मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस केजी में पुट करोगे और टेम्परेचर इन केल्विन और आर की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट की 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, तो ही आरएमएस स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी यहां से, ठीक है। और ऐसा ही यहां पे जब आप यहां पे टेम्परेचर केल्विन में पुट करोगे और जो बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की जो भी वैल्यू होती है और स्मॉल एम मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस, ये आपको केजी में पुट करना होगा, तभी यहां से आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स वो मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है। स्मॉल एम क्या है मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस, केजी में पुट करना होगा, ठीक है। अगर आप यहां से आरएमएस स्पीड की वैल्यू मीटर पर सेकंड में चाहते हो, टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना होगा, स्मॉल एम मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस केजी में पुट करना होगा, इस फॉर्म पे आए तो टेम्परेचर को केल्विन में, कैपिटल एम नॉट मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैस को केजी में पुट करना होगा अगर आप आरएमएस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चाहते हो। तो ये दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स की, ठीक है। तो देखो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स वो मेरे को पता चल गई, वो कितनी आई रूट थ्री आर टी बाय में एम नोट या अंडर द रूट थ्री के बी टी बाय में स्मॉल एम, ठीक है। आर एन ए के बी के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू में बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए और यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ये केजी में होना चाहिए, अगर आप यहाँ से आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स मीटर पर सेकंड में चाहते हो, ऐसा ही यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए और जो मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस है वो केजी में पुट करना होगा अगर आप यहाँ से आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स
मीटर पर सेकंड में चाहते हो, ठीक है। तो अब देखो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये क्या होती है, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इसको डिनोट करेंगे हम वी एवरेज से, ठीक है। तो देखो मेरे पास कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है एक कंटेनर के अंदर, जो कि रैंडमली मूव करते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स V1, V2, V3, V4, VN। तो जो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नाम से पता चल रहा है कैसे होने चाहिए, इन सभी का एवरेज ले लो, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस VN डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो किसके बराबर होती है, इसको आपको याद रखना होगा, रूट आठ आर टी बाय में पाई एम नॉट, ठीक है। और जब आप एम नॉट को एन ए इंटू में स्मॉल एम पुट करोगे, ठीक है, और आर को एन ए इंटू में के बी पुट करोगे यहाँ पे, तो जो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आएगी ये किसके बराबर आएगी, अंडर द रूट आठ के बी टी बाय पाई स्मॉल एम, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आरएमएस में ये दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट थी, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में ये दोनों फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं। और अब देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये क्या चीज होती है, इट इज दैट स्पीड विच इज कैरीड बाय मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब इसको समझे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे वैसे ही बता रहा हूं, मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को समझने के लिए, मान लो मेरे पास 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड कैसे है, वन वन, ठीक है, टू 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 किलोमीटर पर सेकंड में, थ्री थ्री फोर कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और फाइव किलोमीटर पर सेकंड। मान लो मेरे पास गैस के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के दो मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक एक किलोमीटर पर सेकंड है, और चार मॉलिक्यूल्स की स्पीड है दो दो किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है तीन तीन किलोमीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर सेकंड, और एक और की स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो दो सबसे ज्यादा बार है यहां पे, तो यहां पे दो कितनी बार है, एक दो तीन चार बार है, ठीक है, एक दो बार है, तीन दो बार है, चार एक बार है, पांच एक बार है, तो दो सबसे ज्यादा बार है, ठीक है। तो यहां पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या हो जाएगी, अगर मैं इस एग्जांपल के हवाले से समझाना चाहूं, 2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो समझ में आया ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, इट इज दैट स्पीड विच इज कैरीड बाय मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस स्पीड को कैरी कर रहे हैं, वही स्पीड क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को वी एम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है।
ये तो विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एग्जांपल समझाया मैंने, ठीक है। वैसे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स होती है, इसको भी याद रखना, ये होती है रूट दो आर टी बाय में एम नॉट, ठीक है। और जब आर को एन ए इंटू में के बी पुट करोगे यहाँ पे, कैपिटल एम नॉट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस को एन ए इंटू में स्मॉल एम पुट करोगे, तो ये किस में बदल जाएगा, रूट दो के बी टी बाय स्मॉल एम। अगेन वही है, अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स मीटर पर सेकंड में चाहते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस को के जी में, यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन में और मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस को के जी में, ठीक है, अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को मीटर पर सेकंड में चाहते हो तो। तो अब देखो रिलेशन बिटवीन आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले पहले वाला देख लो, जिसमें आर टी बाय एम नॉट है, आरएमएस स्पीड ये और वी एवरेज ये और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये, ठीक है। तो वी आर एम एस स्पीड किसके बराबर, रूट थ्री आर टी बाय एम नॉट और एवरेज स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स रूट आठ आर टी बाय पाई एम नॉट, रूट आठ आर टी बाय पाई एम नॉट और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स रूट दो आर टी बाय एम नॉट, ठीक है। तो रेशियो निकालना यहाँ पे, वैसे भी देख सकते हो, रेशियो बाद में निकालेंगे, अभी इसको चेक कर सकते हो यूजिंग कैलकुलेटर आप चाहे तो। वी आर एम एस स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, फिर वी एवरेज और सबसे कम कौन सी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ऐसे सबसे ज़्यादा आर एम एस, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे ज़्यादा आर एम एस होगी, सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अगर आप रेशियो में लिखना चाहें इसको, वी आर एम एस टू वी एवरेज टू मोस्ट प्रोबेबल, ये जो रेशियो आएगा ये कितना आएगा, रूट थ्री इज टू रूट आठ बाय पाई, रूट आठ बाय पाई इज टू रूट दो, ठीक है। इसको अच्छे से लिख रहा हूं, रूट आठ बाय पाई है ये, ठीक है। तो ये होता है रेशियो आर एम एस टू एवरेज टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट थ्री इज टू रूट आठ बाय पाई इज टू रूट दो, ठीक है। तो आर एम एस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।